नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हरीश तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका हूँ बहुत ही शानदार आज के सेशन को लेकर तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस बहुत ही शानदार हरीश एक्सप्रेस की ट्रेन में जहां पे आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से लेके साथियों ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने वाले तो साथियों आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पे होने वाला है डेट इज ग्रेविटेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं और हम कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी करने वाले हैं तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है सबके साथ दबा के लाइक करें शेयर करें देखिए ये क्लास आती के एग्जामिनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए तो हम आपको बता दें कि आपको इंडिया की बेस्ट टीम जो मिलने वाली है और ये देखिए समय हो चुका है साथियों के हरीश एक्सप्रेस ट्रेन का जहां पे आपके प्यारे हरीश भैया आपको बहुत ही शानदार जब कंसेप्ट है वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ठीक है आप लोगों ने साथियों जो भर भर प्यार के प्यार दिया उसके लिए मैं तह दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूंगा इसके लिए चलिए शुरू करते हैं साथियों बातचीत करेंगे बाद में और बता दूं देखिए कि यदि इसी तरह के शानदार कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं आप हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़िए मिनिमम से मिनिमम जो कह सकते हैं साथियों प्राइस पे आपको मैक्सिमम कंटेंट मिलने वाला बेस्ट ऑफर है जो आपको यहाँ पे मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ठीक है चलो शुरू करते हैं साथियों आज के इस बहुत ही शानदार प्यारे से क्लास को जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण इज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन को समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू और फिर देखिए मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ ठीक है क्या मेरे सभी छोटे भाई क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार है जल्दी बताइए सबके सब कॉमेंट सब सब के अंदर जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए शेयर नहीं किया शेयर कीजिए ठीक है तो सबके सब साथ ही जल्दी से पहले लाइक मारो शेयर मारो दबाक के लाइक मारो मुझे क्लास खत्म होते होते एक हजार लाइक चाहिए चाहिए ठीक है ठीके? चलो अब जरूर यहाँ पे देखिए आंसर से देखिए हम जो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं साथियों तो गुरुत्वाकर्षण एक तरह का बल होता है ये कैसा बल है आकर्षण का बल है आकर्षक का बल क्या होता है भैया कि देखिए होता क्या है साथियों जब भी किसी वस्तु में द्रव्यमान होता है मतलब मास होती है तो वो वस्तु यहाँ पे एक दूसरे को आकर्षित करती है और ये जो बल होता है ना किसी भी तरह के संपर्क पे डिपेंड नहीं करता मतलब ये जो बल है ये गैन संपर्क बल है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा बल है तो ये तरह का आकर्षण का बल है अच्छा कभी सुना आप लोगों ने ऐसा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई चीज यहाँ पे प्रतिकर्षित हो रही हो रिपल्सिव हो रही हो नहीं तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ना वो एक तरह का आकर्षित बल होता है इट इज ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर पहली बात तो ये है दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा लगता है वस्तुओं के द्रव्यमान के बीच में मतलब जिस किसी के पास में भी यहाँ पे द्रव्यमान होगा मास होगा तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने नाम दिया बच्चे कौन सा गुरुत्वाकर्षण का बल नाम दिया अब मुद्दा ये बनता है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहने वाले बहुत से वैज्ञानिक थे हमारे भारत के जो भास्कराचार्य थे उन्होंने भी इसके बारे में वर्णन किया था लेकिन बता दू की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मतलब साइंटिफिक नोटेशन के आधार पर सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले जो मुख्य व्यक्ति

गुरुत्वाकर्षण का बल एक तरह का आकर्षण का बल है इट मीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्व टू दोर्स ऑफ अट्रेक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स तो पहली बात ये समझेगा कि ये गुरुत्वाकर्षण का बल ना एक तरह का आकर्षण का बल होता है ठीक है पहली बात यह है फिर क्या बोलता है कि ये इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणन फल के अनुक्रमानुपाती है इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासस मतलब क्या बोल रहा है भैया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे m1 और m2 के यहाँ पे प्रोडक्ट के कैसा है समानुपाती है पहला पॉइंट क्लियर हो गया सारी बातें गलती मत करना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दास मतलब इनके यहाँ पे द्रव्यमानों के गुणन के समानुपाती है फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उन दोनों बीच के के बीच दूरी के वर्ग के विक्रमान पाती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब हम जब बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में जो दूरी है जिसे आर बोलते हैं तो आर के स्क्वायर के विक्रमान पाती है तो हमारे पास में दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर एफ की वैल्यू आएगी हमारी जी यहां पे एम वन एम टू बटे में देखिए बच्चे कितना आर स्क्वायर

तो ये जो जी होता है साथियों ही से बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो भी हम पढ़ाने वाला आपको तो ये हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स का क्या है देखिए फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा दिया गलती मत कीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चन बनता है अच्छा ये फोर्स किसमें निकालते हैं तो ये फोर्स बेटा देखिए आता है किसमें हमेशा न्यूटन में तो फोर्स की जो वैल्यू निकलती है वो किसमें निकलती है हमेशा न्यूटन में निकलती है तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला है अब ये बताओ मुझे जल्दी से कि जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ाऊंगा वैसे वैसे लगने वाला बल बढ़ेगा या घटेगा तो आंसर बल घटेगा अच्छा ये बताओ मुझे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस अच्छा सम होता है या प्रोडक्ट होता है तो आंसर है प्रोडक्ट होता है मतलब यहाँ पे जितना जितनी भारी वस्तु होगी उसका लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उतना ज्यादा होगा अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट एक है चंद्रमा और एक है पृथ्वी किसका गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा होने वाला है भैया पृथ्वी का क्यों क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है जो मास है वो ज्यादा है किसे चंद्रमा से लॉजिकली सारी बात है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साथियों किसके यहाँ पे दूरी के लॉजिकली अब ये सारी बातें मैंने बता दी अब देखिए साथियों यहाँ पे आने वाले व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश देखो यहाँ पर बहुत ही फेमस यहाँ पे वैज्ञानिक है साथियों और यहाँ पे वैज्ञानिक है हमारे जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश

जिसको बेटा इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या है भैया इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाइए कहीं पर भी आपको यहां पर इसकी वैल्यू में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा मतलब क्या है इट इज कॉन्स्टेंट होल ऑफ द यूनिवर्स मतलब हमारे जो जी की वैल्यू होती है जो बड़ा जी होता है बड़े जी की वैल्यू हमारे ब्रह्मांड में हर जगह पर कैसे कॉन्स्टेंट है तभी तो बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब जहां जहां पे यूनिवर्स है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है बड़ा जी है अब इस बड़े जी की हम जब बात करेंगे ना इस बड़े जी की वैल्यू निकलती है क्या निकलती है बड़े जी की वैल्यू उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन जाता है देखो तो बड़े जी की जो वैल्यू निकलती है बेटा कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दाइनस इलेवन ये होती है देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू SI में, में? SI में। वहीं पे हम जब बात करते हैं सीजीएस में किस में? CGS में। तो सीजीएस तो में वैल्यू है ग्यारह किसमें किस में एस SI आई में, में? SI में? लॉजिकली है और वहीं पे हम जब बात करते हैं तो सीजीएस में कितना माइनस की एट है माइनस के एट के अलावा देखिए यहाँ पे होता है फोर्स हमारा डायने में यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर और ग्राम की पावर माइनस टू ये हमारी तैयार हो जाती है और फिर क्वेश्चन बनता है सर इसकी पे क्या होगा तो सी का जो यहाँ पे बड़ा जी होता है साथियों तो बड़ा जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम की पावर माइनस वन एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस टू देखो तो एम की पावर माइनस वन एल की पावर क्यूब टी की पावर माइनस टू यहां तक की बातें क्लियर है सारी जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर तो बड़े जी की वैल्यू निकालने वाले व्यक्ति कौन थे हेनरी कैवेंडिश थे इसको यहां पे ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है साथियों या बड़े जी की जो वैल्यू है है वो न्यूटन साहब के द्वारा नहीं दिखाया गया ठीक बड़ा डिजिट को याद करने का सिंपल सा तरीका है आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करोगे सब चीजें याद हो जाएंगी देखो मैं बताऊं चीजें याद करना बहुत आसान है आपको लगता ही है बस ढंग से पढ़ोगे और सही तरीके से पढ़ोगे आपको हर एक चीज याद हो जाएगी तो गलती मत करना

इस तरह से रेगुलेट करते होंगे हमारी देखिए हमने क्या बोला है कि हमारी सोलर सिस्टम में हमारा जो So, हमारा जो सौर्यमंडल है तो हमारे सौर्यमंडल के अंदर हमारा जो सूर्य होता है जो सन होता है वो केंद्र में होता है और जो सारे के सारे प्लानिट है वो इस तरह से कि रिवॉल्व करते हैं सूर्य के चारों तरफ लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है आपको बताऊं कि हमारा सन भी बेटा मोशन करता है मैं बताऊँ तो हमारा जो सन होता है ना वो हमारी यूनिवर्स में हमारी जो गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे बोलते हैं दुग्ध मेखला बोलते हैं तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के भी चक्कर लगाता है तो हमारा सन भी देखिए साथियों रोटेट करता है रेवोलेट करता है रेवोलेट करता है और हमारे सन के चारों तरफ हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं देखिए वो उसकी तरफ इस प्रकार से घूमते हैं तो ये कहना गलत है कि हमारा सन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और सारी की सारी वस्तुएं इसकी तरफ घूमती है एक्चुअल में ऐसा नहीं है हमारा सन भी हमारी आकाश यानी कि मिल्की वे के चक्कर लगाता है हमारी जो आकाश साथियों मिल्की वे है आपको बता दू सन थी देखो ध्यान से और हमारा जो सन है ना वह हमारे मिल्की वे के सेंटर से तकरीबन तीस हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर है मतलब वो यहाँ पे इस प्रकार से रोटेट करता है रेवुलेट करता है रेवोल्यूट करता है तो सन में दोनों तरह के मोशन होते हैं मतलब इसमें रेवोल्यूशन भी होता है और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं साथियों इसमें रोटेशन भी होता है तो ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है मतलब सन तो मूव करता ही करता है सन तो मूव करता ही करता है लेकिन साथ साथ में हम जब बात करेंगे तो इसके साथ में बहुत सारे प्लैनेट्स और जो अन्य चीजें हैं जो सन की ग्रेविटेशन फोर्स में आते हैं वो भी इसके साथ देखिए रिवोल्यूट करते हैं वो भी इसके साथ क्या करते हैं परिक्रमण करते हैं ठीक है चलो यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है गलती मत कीजिए करना, करना बिल्कुल भी ठीक है यहां तक की सारी बातें क्लियर है जल्दी बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर चमकी है कि नहीं चमकी है एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुनो बेटा सबके सब बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं लाइक्स बहुत कम होती है देखो मैंने क्या कहा बच्चे मुझे क्लास के बीच में ही ना आप लोगों के हजार लाइक चाहिए पहले ही बोल रहा हूं कि अभी कि अभी चाहिए तो तुरंत तुरंत तुरं लाइक मारो भैया कोई चीज बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी तो बाद में तुम लोग कॉमेंट नहीं करते बिल्कुल नहीं करते नालायक हो सब सब बेटा डिफरेंस होता है रेवोल्यूशन में और रोटेशन में देखो अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है वो रोटेशन होता है और तुम चक्कर लगा रहे हो उसे बोलते हो क्या भैया उसे बोलते हो रोटे रेवोल्यूशन ठीक है यस हमारा जो एक सूर्य होता है वो हमारी मिल्की वे का बेटा पच्चीस करोड़ साल में चक्कर लगाता है कितने में पच्चीस करोड़ साल में देखिए अब हम देखिए बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में ग्रेविटी होती क्या है इसको जरा समझिए देखिए क्या ये हम आपको हमारी पृथ्वी नजर आ रही है बिल्कुल नजर आ रही है भैया हमारी पृथ्वी में नजर आ रही है देखिए अब हमारी पृथ्वी देखिए क्या करती है क्योंकि पृथ्वी का मास ज्यादा होता है सिंपल सी बात है भैया कि पृथ्वी का मास कैसा है देखिए ज्यादा होगा अब देखो क्या मस्त कंसेप्ट सुनो देखो मान लो कि पृथ्वी का भैया मास है हमारा कितना देखिए एम और यहाँ पे छोटी सी वस्तु है जिसका मास कितना है यहाँ देखिए एम है अब ये बताओ कि हमारी जो पृथ्वी है इस छोटी सी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही होगी बिल्कुल खींच रही भैया मान लीजिए कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर है कितनी है आर है तो ये देखो आप कहेंगे सर इसमें दो फोर्स काम करने वाले हैं तो मान लीजिए सर पहला फोर्स है फोर्स ऑफ तो ग्रेविटेशन तो फोर्स ऑफ तो ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा जी एम

तो इस पर देखिए फोर्स काम करेगा जो होगा हमारा एम जी के बराबर सर एम जी क्या है तो जी एक यहां पे गुरुत्व होता है जो किसी वस्तु को पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु के द्वारा नीचे खींच जाती है अब ये भी फोर्स है ये भी फोर्स फोर्स है अब एक काम करो दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो अब जब दोनों फोर्स को बैलेंस करोगे तो कैसी देखिए फॉर्मुला बनेगा सुनो अब जब दोनों फोर्स को बैलेंस बैलेंस करोगे तो ये हमारा एम है और ये कितना देखिए कैपिटल जी यहां पे m इंटू एम बटे में देखिए बच्चे क्या यहां पे आर स्क्वायर तो है हमारा छोटा सा पॉइंट अब अब खेल देखो क्या खेल होने वाला है सुनो देखो ये हमारा क्या है और यहाँ पे देखिए बेटा वैल्यू क्या आने वाली जी की तो जी की वैल्यू आने वाली जी एम बटे एम बटे आर स्कॉजिक्लियर है इस जी को ही हमने क्या नाम दिया है तो इसको ही देखिए बच्चे बोलते हैं एसलेशन इसको ही क्या बोलते हैं एसलेषण ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी लॉजिकली है मतलब गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी वस्तु पर आने वाले त्वरण को क्या कहा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी भी वस्तु पर आने वाले तुरंत को क्या बोलते हैं साथियों तो आंसर है एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है क्या ये वस्तु के मास पर डिपेंड करती है तो आंसर है नहीं ये हम जब बात करते हैं साथियों तो ये किस पर डिपेंड नहीं करती देखिए तो आंसर है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती तो ये वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करती ये डिपेंड करती है जिस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है अब ये किस कारण से काम करा है देखिए तो ये काम कर रहा है, मतलब है कि ये हर जगह पे चेंज होने वाली है तो पृथ्वी पर अलग है और हम जब बात करते हैं साथियों तो पृथ्वी पर अलग होती है और चंद्रमा पे अलग हो जाएगी तो हम जब अर्थ की बात करते हैं अर्थ की तो पृथ्वी पर साथियों इसकी वैल्यू कितनी है तो पृथ्वी पर वैल्यू होती है नौ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख पाएंगे किसके बराबर है साथियों तो ये बराबर होता है देखिए किसके एक्सलेशन के किसके एक्सलेशन के फिर क्वेश्चन बनता है कि सर जी की वैल्यू सबसे पहले किसके द्वारा दी जा रही है तो जी की वैल्यू बेटा सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति है वो है गैलेलियो कौन है गैलीलियो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जी की वैल्यू सबसे पहले देने वाले व्यक्तियों में से कौन है साथियों तो आंसर है गैलेलियो है ये जरा बात यहां पर समझिए ठीक है बेटा आरआरबी बैच में सिलेबस तो तुम्हारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा यस yes. आर आरबी बैच में देखिए ये चीजें बहुत जल्दी खत्म खत्म हो जाएंगी ठीक है फाउंडेशन में बेटा आपको आराम से हो जाएगा है अब जरा यहां पे देखिए लॉजिकली सारी बातें अब देखिए इन्होंने यही कहा था कि जो यहाँ पे देखिए छोटा जी होता है साथियों वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है अब सोचिए जब वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता तो मैं एक ही ऊंचाई से अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को पटकूंगा तो वो सेम गति से कहेंगे नीचे आएंगे लॉजिकली है तो मैं ये बताना चाहता हूं छोटा सा पॉइंट कि यहां पे साफ साफ कहा गया है जो छोटा जी होता है दे डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू ऑफ दी

तो मैंने बताया कि जो वैल्यू ऑफ दी ग्रेविटी वो किसके द्वारा निकाली जा रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ दी स्मॉल जी निकालने वाले व्यक्ति साथी वो कौन है पे हमारे गैलेलियो साहब है तो गैले साहब ने ये कहा था कि हम पृथ्वी की बात करें और पृथ्वी पे यदि सभी प्रकार के रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो सभी प्रकार के रेजिस्टेंस को हटाने पर यहाँ पे हर वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्व का मान कैसा है बराबर है इट मीन्स इट मीन्स अगर मैं किसी भी ऊंचाई से दो अलग अलग वस्तु को पटकता हूं तो सेम गति से सेम टाइम पे नीचे आने वाली है आप यहाँ पे हाथी देखिए और यहाँ पे सिक्का देखिए ये तो दोनों के दोनों सेम गति से कहा आने वाली है नीचे आने वाली है तो यही बात यहां पे की जा रही है किसके द्वारा गैलीलियो साहब के द्वारा तो जब किसी आदमी को एक किसी भी चीज को पटका जाता है तो गुरुत्व से नीचे आता है और उसे बच्चे बोलते हैं फ्री फॉल क्या बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं मतलब ये जो यहां पे होने वाला मोशन है इसके अंदर इस मोशन को साथ हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल क्या बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं और फ्री फॉल में कितनी वैल्यू होती है तो फ्री फॉल की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब यहां पे लगने वाला जी की वैल्यू कितनी है तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये बात जरा यहां पे समझिएगा ठीक है चलो अब हम बात करते हैं सर की जी की वैल्यू के बारे में कि जी की वैल्यू कहां पे बढ़ती है कहां पर घटती है उसके बारे में

पृथ्वी की सतह के नीचे जाए यहाँ पे जाने पर देखिए दूरी बढ़ेगी सिंपल सी बात देखो, के हमारी पृथ्वी की सरफेस है देखो मैं बता रहा हूं देखो ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है जिसे हम क्या बोलते हैं यहां पे सतह बोलते हैं अब मुझे लॉजिकली बताना देखिए मैं दूरी की बात करने वाला हूं अब आप चाहे ऊपर जाएं चाहे ऊपर जाएं चाहे देखिए नीचे जाएं ये बताओ हमारी दूरी यहाँ पे बढ़ेगी या दूरी घटेगी देखिए तो ये सिंपल सी बात है दूरी बढ़ेगी अब जब दूरी बढ़ेगी तो दूरी के बढ़ने पे जी का मान बढ़ेगा घटेगा घटेगा इसका मतलब है कि मैं सतह के जब ऊपर जाऊं तो यहाँ पे जी का मान देखिए कम होने वाला है चाहे मैं सतह के नीचे जाऊं तो भी हमारे जी का मान देखिए बेटा कम होने वाला है लॉजिकली रहा है तो सबसे ज्यादा जी का मान कहां पर है तो जी का मान देखिए बेटा सबसे ज्यादा होता है कहां पर सतह पर क्यों क्योंकि इस वाली कंडीशन में जो दूरी होती है वो बन के बराबर मानी जाती है ये भी जरा समझिए अब होता है क्या देखिए जैसे जैसे मैं सतह के ऊपर जाऊं या सतह के नीचे जाऊं तो वहां पे जाने पर जी का मान जो होता है वो यहाँ पे घट जाता है अब सीन समझिए कि सीन क्या होता है अगर मैं मान लीजिए कि पृथ्वी के सेंटर में पहुंच जाऊं कहां पहुंच जाऊँ पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाऊं तो पृथ्वी पर पहुंचने पर देखिए जी का मान बेटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्या होता है जी का मान जीरो हो जाएगा और उस समय आपको यहां पे भारहीनता का एहसास होने वाला है मतलब आपको यहां का एहसास होगा तो यह क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि सेंटर पे जी का मान कितना माना गया है तो सेंटर पे साथियों जो जी का मान है वो क्या है यहां पे? तो पे क्या माना गया है तो आंसर देखिए जीरो माना गया तो ये मैंने छोटा सा पॉइंट है जो बता दिया ठीक है यस अगर दोनों के अंदर बैठे किसी प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी यहां पे रेजिस्टेंस को हम कंसिडर ना करें तो रजिस्टर्स को जब कंसिडर नहीं करते हैं तो उस वाली कंडीशन में दोनों के दोनों सेम टाइम पे करेंगे सबसे पोल्स पर होता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले टेंशन लो ठीक है यही लॉजिक क्लियर सारी बातें तो मैंने जी की वैल्यू बता दी अब जरा यहाँ पे जी की वैल्यू भी हमारी सेम रहती है बदलती रहती है अब अब जरा यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट आप देख पाएंगे बच्चे इसको देखिए हमने नाम दिया है कौन सा इक्वेटर और इक्वेटर को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा सिंपल सी बात है ये देखिए साथियों हमारे पास में है जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और यहां पे देखिए हमारे पास में साथियों मिलता देखिए जिसे बोलते हैं साउथ पोल क्या बोलते हैं साउथ पोल लॉजिकली है अब जरा हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी देखिए इस प्रकार से रोटेट करती है ये घूर्णन गति है तो पृथ्वी में साथियों अभी होने वाली ये जो गति है वो कौन सी गति है तो ये देखिए बच्चे पृथ्वी में गति है जिसे बोलते हैं रोटेशन और रोटेशन को देखिए साथियों क्या बोलते हैं घुर्दन क्या बोलते हैं घुर्दन बोलते हैं ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा तो यहाँ पे होने वाली जो अभी गति है वो कौन सी है रोटेशन की गति है पृथ्वी में देखने के मिलने वाली है अब इस वाले पॉइंट पे ना जी की वैल्यू भी बदलती रहती है तो क्वेश्चन बनता है सर जी की वैल्यू कहां पर ज्यादा है कहां पे कम है मुद्दा ये बन जाता है देखिए तो मैं बताना चाहता हूं देखिए साथियों जी की वैल्यू पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है और इक्वेटर में बहुत कम होती है इस वाले पॉइंट पे देखिए जो जी की वैल्यू यहां पर है वो यहाँ पे देखिए बच्चे कैसी है मैक्सिमम है लॉजिकली रहा है और जी की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चे कैसी है तो जी की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम है कैसी मिनिमम है? है तो सबसे ज्यादा कहां पर है Pulse पर है और सबसे कम कहां पर है तो सबसे कम देखिए इक्वेटर पे है अब इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन देखिए ध्यान से मैं आपको सागर सारा सारा कॉन्सेप्ट है समझाने वाला हूं देखिए बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पे आने वाला देखिए मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है साथियों उसको मैंने देखिए नाम दिया है कितना आर क्या बोलते हैं आर और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कौन सी यहाँ पे आटू अब ये बताओ कौन सी दूरी ज्यादा होने वाली R1 की या R2 की आप यहां पे साफ साफ देख पाओगे कि जो इक्वेटर में जाने वाली दूरी है वो ज्यादा है किसे के यहाँ पे पोल से जाने वाली दूरी से तो इक्वेटर में साथियों जब दूरी ज्यादा होती है और मैं बता चुका हूं कि जो g की वैल्यू है वो दूरी के कैसा विक्रमान पाती है इसका मतलब जानते क्या इसका मतलब यह है कि अगर हमारी दूरी बढ़ेगी तो जी मान कम होगा अब ये बताओ यहाँ पे दूरी कैसी है ज्यादा है सिंपल सी बात है भैया जब दूरी ज्यादा है तो जी होगा? होगा और जैसे जैसे मैं पोल्स पे जैसे जैसे मैं पोल्स पोल्स पे पे जाऊंगा जाऊंगा जैसे जैसे वैसे वैसे दूरी कम होने वाली है दूरी कम होगी तो का मान मेरा बढ़ जाएगा और यही रीजन है कि हमारे इक्वेटर पे और पोल्स पे जी की वैल्यू बदलती रहती है अब ये बताओ कि हमें यहाँ पे सैटेलाइट से कोई भी चीज लॉन्च करनी है वो कहां से करेंगे सिंपल सी बात है भैया जहां पे जी की वैल्यू कम होती है और यही रीजन है कि हमारे अक्सर जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं देखिए हमारे जो सैटेलाइट को हम क्या करते हैं लॉन्च करते हैं वो कहां से करते हैं तो वो करते हैं भैया है, कहां से इक्वेटर से क्यों करते हैं इसका रीजन ये है कि यहां पे जी की वैल्यू कम होती है तो बड़ी आसानी से चीजें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकती है ये भी जरा समझिएगा लॉजिकली कि नहीं है अच्छा मैं ये बता रहा हूं बेटा सुनो दो से तीन बातें हैं आप में से बहुत से बच्चे कमेंट करने पहले जरा मुझे ये बताओ मजा आया कि नहीं आया क्योंकि आपको हर एक चीज मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर तुम बेटा सिर्फ यहाँ पे कमेंट कमेंटबाजी करोगे तो कोई मतलब का नहीं है अगर पढ़ने के लिए आयो तो उससे बेहतर कोई क्लास नहीं है अगर आप बेटा चाहते हैं सिर्फ हमें कंटेंट मिल जाए साथियों फालतू बात ना हो तो मैं आपको एक घंटा सिर्फ सिर्फ और कॉन्टेंट देने वाला हूँ मैं चाहू तो तुम्हें तो शादी मार सकता हूँ दस पंद्रह मिनट बात कर सकता हूँ पूछूंगा बताइए मजा आया कि नहीं आया बातचीत करूंगा लेकिन सोचिए कि मैं एक घंटे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ क्यों क्योंकि मुझे पता है साथियों तुम्हारा भी समय कीमती हो मेरा भी समय कीमती है टेंशन ना लो ये बताओ जल्दी से क्लीन हुई की नहीं चीजें लॉजिकली तो हमें जब भी कोई चीज बाहर फेंकनी पड़ती है तो बाहर फेंकने के लिए हम किसका यूज करते हैं इक्वेटर का या फिर यहाँ पे पोल्स का तो का आंसर इक्वेटर इसका इसका रीजन रीजन जानते क्या इसका रीजन है है ये क्योंकि पर साथियों जो जी की वैल्यू होती है वो होती है और मिनिमम से हम बड़ी आसानी चीजों को बाहर निकाल सकते हैं इसका मतलब जानते क्या है कि इक्वेटर से जब मैं जाऊंगा पोल्स पे तो हमारी जी की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ पे बढ़ेगी लॉजिकली क्लियर है और जब मैं पोल से इक्वेटर पे आऊंगा तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो यहाँ पे घटेगी इतना मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे समझा दिया ठीक है क्लियर सारी बातें अब सुनो हमारे पोल्स के अंदर भी ना जी की वैल्यू सेम नहीं होती क्या बात कर रहे हो भैया यस हमारे पोल्स के अंदर भी जी की वैल्यू सेम नहीं होती है मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए नॉर्थ पोल पे जो वैल्यू है सुनो उधर से बच्चे बहुत प्यारा देखिए पॉइंट सुनो तो नॉर्थ पोल पे जो वैल्यू है वो यहां पे ज्यादा ज्यादा है किससे साउथ पोल से तो हमारे पोल्स के अंदर भी यहाँ पे जो जी की वैल्यू वो सेम नहीं है आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ पोल पे जो हमारी जी की वैल्यू है वो हमारे साउथ पोल से ज्यादा बड़ी है क्यों क्योंकि इसके पीछे जो तो रीजन है साथ वो है पृथ्वी का आकार और पृथ्वी का जो आकार वो कैसा है जीवड़ है तो मैं बता दूं कि नॉर्थ पोल पे हमारी पृथ्वी ज्यादा चपटी है कंपेरिजन किसके तो आंसर है साउथ पोल के तो पोल्स पर भी इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है पोल्स पर भी इसकी वैल्यू सेम नहीं होती है हमारे नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे साउथ पुल पे थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली कम है लॉजिकली सारी बातें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं अब देखिए होता है क्या सुनो कि जी के मान में परिवर्तन देखिए तो जी के मान में परिवर्तन हमारे पृथ्वी की गति से भी आती है मतलब ड्यू टू द रोटेशन स्पीड भी आती है जो पृथ्वी के अंदर रोटेशन स्पीड होती है उससे भी जी के मान में परिवर्तन हो जाता है ठीक है लॉजिकली सारी बातें गलती मत करना देखो ध्यान से सुनो अब हम देखिए जब बात करते हैं यहां पे देखिए आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर देखिए तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है इक्वेटर पे लॉजिक सी बात है तो सबसे ज्यादा स्पीड देखिए बेटा इक्वेटर पे है अब इक्वेटर पे जब स्पीड ज्यादा होगी तो सिंपल सी बात है एक फोर्स काम करता है जिससे बोलते हैं क्या उसे हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सबसे ज्यादा फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल का ऊपर तो ये जी की वैल्यू कम कर देता है देखिए तो इस वाले पॉइंट पे जी की वैल्यू कम होती है और जैसे जैसे मैं पोल्स पे जाऊंगा वैसे वैसे देखिए हमारी जो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पे जी की वैल्यू देखिए बेटा बढ़ती है किस कारण से रोटेशन स्पीड ऑफ की अर्थ के कारण भी चलो अब आते देखिए जी के मान में परिवर्तन सुनो ध्यान से मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी अभी घूम रही है अगर मान लीजिए कि मैंने पृथ्वी की स्पीड को 17 गुना ज्यादा तेज कर दिया 17 टाइम्स ज्यादा तेज कर दिया तो जिस स्पीड से हमारी पृथ्वी घूम रही है उसको मैंने 17 गुना ज्यादा बढ़ा दिया तो यहां पे इक्वेटर के अंदर जो जी का मान होगा वो जीरो हो जाएगा देखो तो इक्वेटर पे भैया क्या होगा तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो जीरो हो, हो जाएगी और इक्वेटर पे जीरो होने का मतलब होता है कि वहां पर जो वेट है क्या देखिए भैया वेट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और वेट जीरो होने पर आपको देखिये वेटलेसनेस का एहसास होगा जिसे बोलते हैं भारहीनता का एहसास होगा ये भी आप जरा समझ सकते हैं यदि पृथ्वी की स्पीड को सत्रह गुना तेज कर दिया जाए तो इक्वेटर पर रहने वाले जो लोग होते हैं साथियों उनके ऊपर भारहीनता का जो एहसास है वो यहां पे होने वाला है ठीक है चलो जल्दी से बताइए सबके सर बहुत ईजी से क्वेश्चन है आपको यहां पे सारी सारी बातें मैं बताने वाला हूं देखिए क्या क्वेश्चन बोला है सुनो द वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट ऑन दी सर्फेस ऑफ दी मून ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके आधार पर हम देखिए क्वेश्चन को सुनेंगे ध्यान से क्या बोल रहा है कि वेट ऑन दी सर्किस ऑफ मून इज सिक्सटीन न्यूटन देखिए यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत प्यारा देखिए कॉन्सेप्ट है सुनो देखिये बेटा वेट जो मून होता है ना ये वन बाय सिक्स होता है देखिए किसकी यहाँ पे वेट ऑफ दी अर्थ के बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना अगर इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी गलती नहीं करने वाले आपको बस ये छोटा सा फॉर्मुला देखिए समझना है क्या समझना है कि यहाँ पे चंद्रमा पे जो भार होता है ये पृथ्वी के भार का छो होता है देखिए अब वेट ऑन दी मून कितना बोल रहा है देखिए बेटा तो वेट बोल रहा है न्यूटन कितना बोल रहा है वन बाय सिक्स इंटू यहाँ पे डब्ल्यू अर्थ हो जाएगा तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी तो डब्ल्यू की वैल्यू बेटा हमारी होगी 360 न्यूटन तो 360 न्यूटन इज द राइट आंसर आप यहाँ पे देखिएगा तो इसका आंसर देखिए बेटा यहाँ पे B हो जाएगा तो B इज द राइट आंसर अब आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो बताना देखिए आंसर सुनो एक होता है वेट एक होता है देखिए बच्चे मास क्या होता है मास होता है देखो तो वेट की जब बात करते हैं देखिए तो वेट हमारा बनता है एम क्या बनता है एम और एम हमारा किसके बराबर देखिए बेटा फोर्स के बराबर होता है जबकि मास की बात करते हैं तो मास हमारा क्या है के और ये देखिए बच्चे एक तरह की एस आई यूनिट होती है तो दोनों में अंतर क्या बनता है कि भैया एक हमारी एस आई यूनिट होती है एक हमारा देखिए क्या होता है यहाँ पे डिराइव यूनिट होती है सर वेट और मास में अंतर क्या है समझा रहा हूं देखिए छोटा सा पॉइंट जैसे बोतल है हमारे पास में इस बोतल में मान मैं लीजिए मैंने पानी भर दिया और पानी भरने के बाद मैंने बोतल को कर दिया सील पैक इस तरह से पैक कर दिया इस तरह से पैक कर दिया कि अब इसके अंदर से जो पानी है बाहर नहीं आ पाएगा ठीक है समझो ध्यान से जब पानी बाहर नहीं आ पाएगा तो इसे बोलते हैं मास अब ये बताओ कि इसे मैं कहीं पे भी ले जाऊं क्या इसके मास में परिवर्तन होगा नहीं होगा अगर मैं चंद्रमा पे चंद्रमा पे ले जाऊं तो क्या इसके इसके पानी में कोई परिवर्तन है नहीं है पृथ्वी पे ले जाऊं कोई परिवर्तन है नहीं है तो इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होने वाला इसे बोलते हैं मास अब सोच लीजिए फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या किया मैंने देखिए इस बोतल को मैंने अपने हाथ पे ऐसे रख दिया देखो इस प्रकार से अब ये बोतल मेरे पे फोर्स लगा रही है कहां लगा रही है ऊपर की ओर है नीचे की ओर नीचे की ओर तो इस बोतल के द्वारा मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी को बच्चे वेट बोलते हैं तो वेट क्या है तो वेट एक तरह का फोर्स होता है क्या होता है फोर्स फोर्स होता है फोर्स किस में है हमेशा निकाला जाता तो फोर्स साथियों निकालते हैं किसमें न्यूटन में, में। किसमें निकालते हैं न्यूटन में यही रीजन है कि वेट की जो एस आई वैल्यू होती है वो किसमें आती है न्यूटन में होती है और मास किस में निकाला जाता है के जी में निकाला जाता है ये भी फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा लॉजिकली सारी बातें गलती मत करना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए जल्दी से वट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड

तो एम दिया, है, कितना, हमारा? दिया, है, कितना, दिया है। तो कितना दिया है देखिए तो जी की वैल्यू पूछेंगे तो जी कितना दिया है है क्या तो की जो बड़ा फोर्स कितना दिया है नौ पॉइंट आठ न्यूटन देखिए फोर्स दिया गया है, है हमें एम निकालना है तो एम के अलावा देखिए जी की वैल्यू कितनी दी गई आठ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे एम कितना देखिए जी आएगा कितना है वन आएगा वन के जी आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन गलत है शायद आठ न्यूटन वजन वाले बेटा पॉसिबल कैसे नौ पॉइंट आठ ये क्वेश्चन गलत है क्वेश्चन बेटा गलत है सुनो क्वेश्चन ही गलत है क्यों गलत है क्योंकि वेट कभी भी न्यूटन में नहीं होता है मतलब क्या बोल रहे देखिए हमें निकालना है की बात ना क्या बोला व्हाट इज दू प्रोड्यूसलेन ऑफ सुनो सुनो समझो समझो क्वेश्चन गलत नहीं है हमने इसको अप्रोच गलत किया था इसका अप्रोच गलत था क्वेश्चन सुनो ध्यान से क्वेश्चन को पहले सुनना पड़ेगा सबको देखो क्वेश्चन मजेदार है अब मुझे समझ आया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है क्वेश्चन क्या ध्यान से इसने ये कहा है साथियों कि कि किसी बॉडी का जो वेट है वो कितना है तो वो है नौ पॉइंट आठ न्यूटन ठीक है भैया हमें निकालना क्या है हमें निकालना भी है फोर्स की वैल्यू जिसमें जी की वैल्यू कितनी दी गई है तो जी की वैल्यू दी गई है मीटर पर स्क्वायर ठीक ठीक है है लॉजिकली था भैया अब निकाल देंगे बड़ी आसानी से कैसे निकाल देंगे भैया इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है क्या तरीका देखिए ध्यान से तरीका यह है कि हम जानते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है तो डब्ल्यू हमारी एम जी होती है बिल्कुल होती है भैया वेट हमारा कितना दिया गया है तो वेट हमारा देखिए दिया गया है नौ पॉइंट आठ न्यूटन एम निकालना है जी कितना होगा तो जी हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्ट आठ तो से कैंसिल तो M की वैल्यू कितनी आएगी तो एम की वैल्यू देखिए बेटा आएगी हमारी वन के जी क्या आएगी वन के जी आएगी अब पुल कह रहा है कि बोल रहा है फोर्स निकालना बेटा फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालेंगे देखिए तो फोर्स हमारा होगा एम इंटू जी एम इंटू ए तो एम दिया है वन और जी की वैल्यू कितनी 9.8 है तो फोर्स हमारा कितना होगा भी है तो, आंसर है यहां पे न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर की है क्या होगा बच्चे तो इसका आंसर होने वाला हमारा क्या तो आंसर बी क्वेश्चन अटपटा दिया है वही चीजें निकालनी थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि बताओ बहुत ईजी क्वेश्चन है जल्दी से सबके सब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज ट्वेल्थ वॉट इज द वेट ऑन दी मून क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मान लीजिए यहाँ पे 12 क्या बारह के जी मान ले के जी मान लेते कोई दिक्कत तो नहीं है देखो ध्यान से 12 के जी मान लेते तो यहाँ पे के जी होगा क्योंकि मास के जी में बोल रहा है तो मास देखिए बेटा यहाँ पे पृथ्वी पे कितना है तो मास ऑफ दी अर्थ कितना है देखिए बेटा तो आंसर है बारह के जी है कितना है बारह के जी है तो वेट कितना हो जाएगा तो ये होगा बारह इंटू यहाँ पे देखिए बेटा नौ पॉइंट आठ कितना होगा नौ पॉइंट आठ हो जाएगा बोलो हाँ ना तो वेट हमारा इतना आएगा इस पे पृथ्वी पे अब वेट ऑन मून कितना होगा तो ये होगा देखिए बेटा वन बाय सिक्स ऑफ दी वेट ऑफ दी अर्थ ये मैं पढ़ा चुका हूं तो देखिए वन बाय सिक्स इंटू बारह इंटू देखिए बेटा नौ पॉइंट के आठ दो से कैंसिल कर देंगे दो जाएगा तो नौ पॉइंट आठ को जब तोड़ोगे तो आंसर देखिए नाइनटीन आएगा तो आंसर देखिए नाइनटीन पॉइं सिक्स हो जाएगा तो नाइनटीन न्यूटन इज राइट आंसर लगाइए सबके सब इसका आंसर ऑप्शन में इजी क्वेश्चन था बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम जब बात करते हैं ये आप मुझे होमवर्क में, में, सब सब में बहुत सारे केस बनते हैं जिसे बोलते हैं कौन सी केस तो हमारे पास में साथ केस बनते हैं जिसे बोलते हैं लिफ्ट वाले केस अब लिफ्ट वाले केस की के हम जब बात करेंगे तो लिफ्ट वाले केस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं मैं आपको वो बताऊं देखिए छोटा सा पॉइंट है सुनो आपने कभी बेटा झूला देखा झूला एक झूला होता है जिससे बोलते हैं नाव वाला झूला क्या सा झूला नाव वाला झूला आप नोटिस कीजिए देखिए ध्यान से कि जब यहाँ पे नाव बड़ी स्पीड से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पे वेटलेसनेस का या भारीपन का एहसास होता होगा इसी तरह से लिफ्ट की बात करते देखिए अगर लिफ्ट बेटा ज्यादा स्पीड से ऊपर जाए आपको भारी भारी लगता है और इसी प्रकार से जब लिफ्ट बहुत मतलब किसी एसोलशन से, से नीचे आए तो यहां पे बता दू आपको, आपको का महसूस होता है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब यहाँ पे लिफ्ट जब लिफ्ट देखिए किसी भी तोरण से ऊपर जाती है तो पन लगता है जब लिफ्ट यहां पे किसी भी तोरण से नीचे आती है तो हल्केपन पन का एहसास होता है मान लीजिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा भैया आप यहाँ पे गिरेंगे नीचे गिरेंगे और फिर कहा जाएंगे ऊपर जाएंगे <laughs> तो हम जब बात करेंगे तो ऐसी वाली टू है, चलो अब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं देखिए सिंपल पेंडुलम को बेटा बोलते हैं सरल लोलक देखिए सरल लोलक के बारे में एक ही क्वेश्चन बनता है इसके टाइम पीरियड के बारे में तो इसका टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मुला पूछेंगे देखो होता क्या सुनो अगर मान लीजिए कि मैं इसे स्पेस इस में ले जाऊं तो स्पेस में बेटा जी का मान जीरो सिंपल सी बात है जब जी का मान जीरो तो समय, समय हो जाता है अनंत जिसे बोलते हैं है है। कि, है? है कि मान लीजिए अगर मैं इसको कहा ले जाऊं अंतरिक्ष में ले जाऊं तो अंतरिक्ष में ले जाने पर तो अंतरिक्ष में ले जाने पर इसका समय कितना होगा यहां पे इन्फाइनाइट हो जाएगा चलिए अब आते हैं देखिए हमारे मेन व्यक्ति पर जो है हमारे कैप्लर साहब कैप्लर साहब क्या आते हैं देखिए भैया सुनो साहब ने ये कहा था कि हमारे जो ग्रह होते हैं हमारे जो पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं बिल्कुल करते हैं तो कैप्लर साहब ने देखिए साथियों कैप्लर साहब ने कैप्लर साहब ने हम जब बात करते हैं तो कैप्लस साहब ने देखिए साथियों क्या बोल रहे तो पिछला क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए बेटा बाद में देख लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो भी है बता देना मुझे कमेंट के अंदर मैं दिख चुका हूं ठीक है यहां पर कहा से तो मैं ये बताना चाहता था कि कैप्लस आपने ये बताया था यहां पर कि बहुत सारे यहां पे नियम दिए हैं तो उन्होंने क्या बताया कि जब स्पेस में हम बात करेंगे तो स्पेस में तीन नियम काम करते हैं क्या नियम काम करते हैं तो पहला है देखिए जिसे बोलते हैं तो रूल ऑफ दी ऑर्बिट जिसे बोलते हैं कक्षाओं का नियम अच्छा कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम लोग मैं देख लेता तुम लोग कर रहे करो बहुत ज्यादा कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो जल्दी से मैंने बेटा पिछला क्वेश्चन तो यही करा है देखिए भार कितना होगा क्या दिक्कत है इसके इसके अंदर अंदर सही तो है, .6, .6 तो है है आएगा आंसर क्या दिक्कत बताओ जल्दी से सबके सब क्वेश्चन सब। ये भी सही है और ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया इसमें देखिए नाइन पॉइंट एटी आएगा सही बात है नाइन पॉइंट एटी आएगा इसका आंसर और बताओ इस वाले क्वेश्चन में आंसर तीन सौ साठ ही आएगा क्या दिक्कत आ रही है बताओ बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया वो करके मुझे बता दीजिएगा देखो तो हम जब बात करेंगे तो कैपिटल आपने देखिए तीन नियम दिए थे अब इन तीन नियम को जरा देखिए समझिए क्या बोलते हैं कि जब भी कोई चीज यहां पे सूर्य के चात्र घूमती है तो कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं घूमती वो घूमती भी है किसके अंदर तो वो घूमती है किसमें इलिप्टिकल मोशन में मतलब यहां पे, यहां पे जितनी भी चीजें बेटा सूर्य के चात्र घूमती हैं वो सबके सब, सब यहाँ पे इलेप्टिकल मोशन का निर्माण करती है वो यहां पे सर्कुलर मोशन का निर्माण नहीं करती है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा लॉजिकली सारी बातें फिर इन्होंने ये बताया देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे देखिए कोई भी पिंड अगर किसी बड़े पिंड के पास आता है तो उससे उससे देखिए साथियों उससे यहां पे स्पीड बढ़ जाएगी बोलो हाँ на तो आप ये नोटिस कीजिए कि देखिए ध्यान से हम जो कहने वाले हैं आप यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी है जब वो सूर्य के पास होती है इसकी स्पीड बढ़ जाती है और जब पृथ्वी देखिए सूर्य से दूर जाती है इसकी स्पीड कम हो जाती है तो इसे बोलते हैं द एरियल वेलोसिटी एरियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो किस प्रकार से फोर्स गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटेशन के फोर्स से हमारी स्पीड हमारी बढ़ती घटती रहती है तो जब कोई वस्तु यहाँ पे सूर्य के पास में उसकी स्पीड ज्यादा है और जब कोई चीज यहाँ पे सूर्य से दूर है उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है इसी तरह से नियम बनता है हमारा छोटा सा इसी तरह से नियम बनता है ये बोलते हैं जिसे बोलते हैं परिक्रमण काल का नियम क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी उसमें लगने वाला जो समय काल है वो बढ़ेगा यही रीजन होता है कि हमारे बहुत सारे जो ग्रह होते हैं उन सबका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है अब देखिए जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनका लगने वाला जो परिक्रमण काल है जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा एग्जाम्पल दीजिए भैया ध्यान से जैसे मरकरी है तो मरकरी देखिए अठासी दिनों में एटी डेज में सूर्य का चक्कर लगा लेता है इसी तरह से पृथ्वी है तो पृथ्वी तीन दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है मार्स को लग जाते हैं दो साल बृहस्पति को लगते हैं बारह साल सैटर्न को लगते हैं, को लगते हैं, हैं, हैं साल साल यूरेनस को को और लग जाते हैं, वन तो आप देखिए कि कैसे कैसे दूरी बढ़ने पर हमारा लगने वाला जो परिक्रमण काल है वो भी बढ़ जाता है ये फैक्ट मैंने समझा दिया चलो है देखिए

तो पृथ्वी पर किसी भी चीज को देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाना है तो उसे मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी तो पृथ्वी पे साथियों उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है तो वह है ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर पर सेकेंड की मतलब क्या है यदि किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाना है तो उसे यहां पे ग्यारह पॉइंट दो किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड को मिनिमम देना पड़ेगा आपको ये यह बात यहाँ पे समझिएगा लॉजिकली सारी बातें गलती मत करना लॉजिकली सारी बातें मैंने आपको सारी सारी बातें हैं जो डिटेल से बता दी है आप इस पॉइंट को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए ठीक है चलो इसी तरह से बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि हम जब बात करते हैं तो कोई भी चीज यहाँ पे पृथ्वी के परिक्रमा करती है उसे

अब 10 मिनट के अंदर साथियों जितने क्वेश्चन कर सकते हैं सबके सब क्वेश्चन करते हैं बढ़िया है तरीके से ठीक है तैयार हो सबके सब जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर देखिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे साथियों और क्वेश्चंस को किस प्रकार से समझने वाले देखिए फटाफट फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपको मैं सारी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से यहां पे सारी सारी बातें बता दू ठीक है बेटा मून के अंदर लगभग छह के आसपास होगा ठीक है दांसे। बेटा मेरे सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं आप अपना देख लीजिए क्योंकि मुझे लगता है 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 तुम्हारे बेटा खराब ठीक देखो चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से सबके सब फटाफट फटाफट से हम जल्दी चलते हैं क्वेश्चन का आंसर देना मुझे ठीक है चलो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आने वाला बताइए जल्दी से देखिए हम जब यहाँ पे विश्ववत रेखा से बेटा भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुप में जाते हैं तो यहां पे त्वरण के कारण जी का मान घटेगा बढ़ेगा देखिए तो मैं बता चुका हूं कि जब आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा सिंपल सी बात है तो पोल्स पर जाने पर देखिए जी का मान बढ़ेगा तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा लॉजिकली सारी बातें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स पे जाते हैं तो हमारा वैल्यू बढ़ती है बताइए किस पॉइंट पे देखिए वेट ऑफ दी बॉडी यहाँ पे मैक्सिमम होने वाला है देखिए मैंने क्या बताया था साथियों आपको कि हम जब बात करते हैं वेट के बारे में तो सभी पर यहाँ पे वेट का मान अलग अलग होता है लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों दिए गए हैं तो पोल्स पर वैल्यू ज्यादा होती है और मैं पढ़ा चुका हूं आपको देखिए कि नॉर्थ

बताओ जल्दी से द मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट रेस्ट इज एम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पे लिफ्ट में बेटा एम उसका क्या है मास है लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी तुरंत ए से देन मास इज मेजर बेटा सुनो ध्यान से गलती करोगे आप सबके सब क्यों क्योंकि मैं बता दूं कि मास में कभी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है चाहे लेफ्ट ऊपर जाए चाहे जा जा लिफ्ट नीचे जाए जा सुनो ध्यान से तो अगर मास दिया गया तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन किस में होता है साथियों हो। तो वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है किसके अंदर तो वो परिवर्तन होता है साथियों हो। किसके अंदर देखिए तो आंसर है त्वरण के अंदर लॉजिकली वेट के अंदर तो मास एम यहाँ पे एम रहने वाला है एक बच्चा बोल रहा है सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया बेटा कौन सा क्वेश्चन गलत किया मैं समझ नहीं पा रहा नाइनटीन पॉइंट का आंसर आएगा कैसी बात करते हो नालायक तुम सबके सब, सब? हां मुझे गलत कर रहे हो मुझे गलत कर रहे हो हां चलो भैया देखो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्ट रिलेटेड टू टू सेंटर बताइए जल्दी से एक वस्तु का जो भार होता है वो केंद्र के सापेक्ष में काम करता है देखिए जल्दी से बताइए सबके सब बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से देखो जब हम बात करते हैं

हो जाएगा क्योंकि तो मैं बता चुका हूं कि दूरी के बढ़ने पे फोर्स को करने के लिए ना उठाने की नहीं थी। आपको सीधे, 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 सीधे हम जब बात करते हैं भैया तो इस वाले क्वेश्चन में आप लॉजिक से भी कर सकते हैं बोलो हाँ ना लॉजिक खेल क्लियर है, है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से कि लिफ्ट में एक व्यक्ति का जो आवासीय भार है उसके वास्तविक भार से कम होता है जो भार कम कब होता है तो हमें लिफ्ट में बेटा भार कम तब लगता है जब लिफ्ट देखिए किसी तुरंत से ऊपर जाती है नीचे आती नीचे आती है तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए जब लिफ्ट किसी तुरंत से नीचे आएगी सिंपल सी बात है तो लिफ्ट देखिए बेटा किसी तुरंत के साथ नीचे आने वाली है अब देखिए लिफ्ट यहाँ पे एक समान गति से अगर नीचे जाए तो एक समान गति पर कभी भी यहां पे त्वरण नहीं होगा तो इसका आंसर यहां पे बी नहीं होगा इसका आंसर देखिए देखिए डी हो जाएगा लॉजिकली नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से पृथ्वी का साथियों खुद का एटमॉस्फेयर है खुद का वायुमंडल है क्यों है क्योंकि पृथ्वी के पास साथियों हम जब बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण फर्स्ट कैसा है गुरुत्वाकर्षण का बल कैसा है ज्यादा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा है साथ ही साथ हम जब बात करते हैं अरे नालायक मैं तुम्हें एक बात समझ गया सुनो 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 अरे यार सुनो बस बस मैं कट गया मैं समझ गया तुम्हारी बात को तुमने गलती कहां कर दी है सुनो देखो एक बच्चा परेशान क्यों है एक बच्चा परेशान यहां पर है इसके लिए परेशान अरे यार रुक जो, जो मैं बताता हूं तुम्हें देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें परेशानी कहां पे होगी मैं समझ गया अब मैं तुम्हें सॉल्व करके बताया देता हूं देखो दोबारा सॉल्व बताता हूं सुनो देखिए हमारा मास दिया बेटा अर्थ पे कितना दिया देखिए तो मास दिया हमारा दो के देखो कितना दिया बारह के जी दिया गया बोलो या ना सिंपल सी बात है भैया यहां पे निकालना क्या है वेट ऑन दी मून निकालना है सिंपल सी बात है पहले हम निकालते हैं देखिए वेट ऑन दी अर्थ निकालते हैं तो वो क्या होगा देखिए हमारा एम इंटू जी ट्वेल्व दिया है एम जी कितना है नौ पॉइंट एट अब बेटा मैंने कैलकुलेशन के लिए काटा सो so, कैलकुलेशन के लिए काटा हुआ है देखो ध्यान से तो हम जब बात करते हैं कैलकुलेशन के लिए मैंने काटा था कि वेट ऑन मून क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स इंटू ट्वेल्व इंटू नाइन पॉइंट एट बोलो हाँ या ना। तो मैंने कैलकुलेशन के लिए काट दी है नालायक कैसी बात करता है

यहाँ पे पृथ्वी के पास में खुद का क्यों है यहाँ पे वायुमंडल दो रीजन है पहला है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होना दूसरा देखिए बेटा यहाँ पे पलायन वेग का मान भी ज्यादा देखिए तो पृथ्वी पर जो वेलोसिटी वो होती होती है होती है ज्यादा जिस कारण से चीजें बाहर निकल नहीं पाती आप इस पॉइंट को जरा समझिएगा लॉजिक क्लियर देखिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से कि बिंदु जहां पर यहां पर देखिए साथियों हम जब बात करते हैं बॉयसिक कंसनट्रेटर होती है अभी छोड़ दीजिए भी मैं पढ़ाऊंगा उसको देखिए नेक्स्ट बताइए कि इनमें से कौन सा साथियों नहीं होगा जब लिक्विड में ग्रेविटी की अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगी देखिए बेटा सुनो ध्यान से हम देखिये जब बात करते हैं देखो ध्यान से चलो ठीक है अब देखो ध्यान से सुनो देखो बच्चे सुनो ग्रेविटी का विस्कोसिटी पे लेना देना नहीं होता है सर्फेस टेंशन में लेना देना नहीं होता है प्रेशर पे लेना देना नहीं होता है, नहीं होता है, इसका होता है आ, पर क्यों क्योंकि जब भी हम किसी वेट को लगाते हैं देखिए वेट को लगाते हैं भैया तो वेट को लगाने पे पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और उसे देखिए बच्चे बोलते हैं उत्प्लावक बल तो ये जो उत्प्लावक बल होता है वो किस कारण से आएगा

और ध्रुवों पे क्यों होगा क्योंकि सिंपल सी बात है भैया क्योंकि ध्रुवों पे यहां पे हम जब बात करते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है और ध्रुवों की भी ये बात करूंगा तो यहां पे उत्तरी ध्रुव पे ज्यादा है और दक्षिणी ध्रुव पे कम होती है ये फैक्ट भी समझ गए तो नॉर्थ पोल पे ज्यादा होती है और साउथ पोल पे काफी कम होती है ये मैं बता चुका हूं ठीक है इजी पॉइंट है ये नेक्स्ट बताइए जल्दी से देखिए कि यहां पे ज्वार भाटा किस कारण से आता है देखिए होता क्या है कि हमारे समुद्र के अंदर जो पानी है उसके लेवल में कभी कभी बढ़ोतरी हो जाती है और लेवल में बढ़ोतरी होने से ज्वार भाटा आते हैं तो पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है साथियों यह आता है किस कारण से तो आंसर है चंद्रमा और पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है तो आंसर देखिए डी हो जाएगा सुनो ध्यान से आपको बता छोटा सा पॉइंट कि पृथ्वी पर देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों काम करते हैं लेकिन चंद्रमा ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है क्यों काम करता है क्योंकि चंद्रमा की दूरी कम होती है कंपेरेटिवली सूर्य के तो चंद्रमा के घूमने के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है तो आंसर देखिए बाद डी लगाएगा आंसर डी लगा देना चलो बताइए जल्दी से कि पृथ्वी के परित घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारीता अनुभव होती है किस कारण से क्योंकि सिंपल सी बात है अगर किसी चीज में बेटा वेटलेसनेस फील हो रही है भारत एहसास हो रही है तो उसका रीजन यहाँ पे क्या है उसका रीजन है यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू का जीरो हो जाना बताइए जल्दी से यदि किसी यदि आ, क्या बोला क्या होगा यदि एक वस्तु के वायव्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए क्या बोल रहा है अगर मान लीजिए कोई वस्तु है और किसी प्रकार से उसमें कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा मैंने बता चुका था यहाँ पे साहब ने साफ साफ कहा था कि अगर किसी प्रकार से कोई रुकावट ना हो और हम सिंपल किसी वस्तु को गिराते हैं तो गुरुत्व से नीचे आएगी इट मींस इट मीन्स यहाँ पे हम जब बात करते हैं उस वाली कंडीशन में क्या होगा तो उस वाली कंडीशन में गति और त्वरण दोनों बढ़ेंगे नहीं गति त्वरण त्वरण नहीं बढ़ेंगे ध्यान से गति तो बढ़ेगी गति तो बढ़ेगी लेकिन त्वरण नहीं बढ़ेगा तो गति बढ़ेगी लेकिन त्वरण नहीं बढ़ने वाला क्या नहीं ये समझा समझा नहीं नहीं मैं कैसे नहीं समझा रही अब जब भी किसी बेटा वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो इस पे हमेशा जी काम करने वाला है नौ पॉइंट आठ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अब ये जो जी होता है ना जी ये इसकी बेटा स्पीड तो बढ़ाएगा लेकिन इसकी अंदर एसलेशन में चेंज नहीं करेगा तो इसकी गति तो बढ़ेगी लेकिन त्वरण तो सेम है कितना है जी है तो त्वर नहीं बढ़ेगा गति बढ़ेगी लेकिन त्वरण नहीं बढ़ेगा त्वरण नहीं बढ़ेगा तो भैया दोनों एक साथ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे तो आंसर यहां पे डी हो जाएगा डीज द राइट आंसर लॉजिकली सारी बातें गलती मत करना क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट को समझो क्योंकि त्वरण जो होता है साथ ही वो कॉन्स्टेंट लेकिन त्वरण भी लगातार यहां पे गति को बढ़ाता रहता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए जल्दी से क्या बोल रहा है कि अभी छोड़ा भी थोड़ा सा चलो इसको हम देखो लॉजिकली भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन तो मैं बिना पेन चला कर हूं। बिना पेन चला चलाकर जाता हूँ कैसे करूंगा देखो ध्यान से बिना पेन चला कर सकता कैसे करूंगा सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि पृथ्वी की सतह पर दूरी टू आर है यदि मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह की त्रिज्या आर हो क्या बोल रहे हैं देखिए वट इज द वैल्यू ऑफ देशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डिस्टेंस ऑफ टू आर फ्रॉम द दर्फेस ऑफ अर्थ वेर आर इज अ रेडियस अब देखिए क्या बोलना है सुनो ध्यान से कि नीचे टू आर का स्क्वायर कर दोगे सिंपल सिंपल देखिए टू आर का स्क्वायर कर दोगे तो ये हमारा वन बाय फोर आर स्क्वायर हो जाएगा तो इस वाली कंडीशन में हमारे जो जी की वैल्यू होगी वो जी बाय फोर हो जाएगी तो आप देखिए जी बाय फोर कर दीजिए बिना पेंसिल कर दिया इसको तो मैंने क्वेश्चन ठीक है बेटा ए रजिस्टेंस का मतलब था यहाँ पे हवा के लग, हवा के द्वारा लगने वाला प्रतिरोध ठीक है हवा के द्वारा लगने वाला प्रतिरोध अब देखिए साथियों आज हम इसमें इतना करेंगे क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास का समय चुका है आकाश सर की क्लास आने वाली है तो आज हम इसमें इतना ही करने वाले बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊ क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा बच्चे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखिए तो ये था हमारे साथियों आज के बेसिक बेसिक पॉइंट्स और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे करा दिया दो तीन बच्चों को समस्या थी बेटा मैंने पूरी चीज सॉल्व करके दिखा दी है उनको कैलकुलेशन करना ही नहीं आ रहा था तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ देखिए साथियों पढ़ी आराम से

आपको हमारे बैचेस मिलने वाले हैं है, आइडिया तो आता है इसका तो जो बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सबके सब, सब लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे, प्यारे, प्यारे कॉमेंट करना ना भूलिएगा आपकी कॉमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो कल मैं इसी तरह की बहुत ही शानदार क्लास लेके आने वाला हूँ और हम मिलते हैं सबने नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे